देखिए बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने हैं, हमारा चैप्टर 2 और उसका पार्ट 7 यानी कक्षा 1 में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पार्ट है 2 और उसका भाग 4-7। तो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अधिक चीज़ों वाले समूह के पास बॉक्स में सही का निशान करना है। आपको इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, देखो यहाँ पे बोतल दी हुई है, सामने वाले बॉक्स में गिलास, तो आपको इसमें से जो ज़्यादा चीज़ें हैं उसके बॉक्स के आगे वहाँ पे जो छोटा बॉक्स दिया है उसमें आपको सही या गलत का सही का निशान करना है। अगर ज़्यादा है उन पे, तो ये देखो ये गिलास 3 है और बोतल कितनी है 4, तो अधिक कौन सी हुई, बोतल अधिक हुई, तो यहाँ पर सही का निशान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बॉल कितनी है, 6 हैं और बैट कितने हैं 4, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, बॉल ज़्यादा है, तो यहाँ वाले बॉक्स में सही करना है। फिर नीचे ये देखो, नीचे यहाँ पे आपको ये 2 फूल दिए हुए हैं और इधर कितनी तितली हैं, 3, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, फूल या तितली, तितली, तो इस पर सही का निशान कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको ये किल्ली दी हुई है और यहाँ पे सामने आपको हथौड़ी दी है, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, किल्ली ज़्यादा है या हथौड़ी, हथौड़ी ज़्यादा है, तो हथौड़ी वाले बॉक्स में आपको सही करना है। फिर यहाँ पे ये टमाटर दिए हुए हैं, टमाटर और इधर आम, तो गिन लेते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम इस सेब को गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने सेब हैं यहाँ पे, 8, और आम कितने गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने, 7, तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा है, अधिक है, तो ये सेब ज़्यादा है, क्या है, सेब ज़्यादा, तो इस वाले बॉक्स में हमें सही करना है। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ देखो आपको दिया हुआ है कि कम चीज़ों वाले समूह के पास बॉक्स में सही कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपने क्या किया, जो चीज़ें अधिक थी यानी ज़्यादा थी उसके ऊपर आपने सामने बॉक्स में सही किया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो चीज़ें कम हैं उस बॉक्स में आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है, यानी जो चीज़ें कम हो। अब ये देखो यहाँ पे ये बिल्ली है, तो इसको गिन लेते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी, 7, और यहाँ पे सूर्य कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, कौन से, 5, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ये 7, बिल्ली ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें किस पे करना है, हमें कम पे करना है, किस पे करना है, कम पे, तो कम क्या है, ये सूर्य है, तो इसमें सही करते हैं। अब यहाँ पे छाता और यहाँ पे ये कोट जैसा दिया हुआ है, शर्ट, तो इसको चलो गिन लेते हैं हम यहाँ पे, छाते को गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, कितने हैं, 5, और यहाँ पे शर्ट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी, 8, तो कौन सी चीज़ कम है बच्चों, ये छाते कम है, तो इसको सही कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो ये चिड़िया, कितनी चिड़िया है गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी, 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर नहीं सॉरी यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे। फिर हम आम गिन लेंगे, आम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने, 10, तो हमें क्या करना है, जो चीज़ कम है उस चीज़ के सामने सही का निशान करना है। तो आम कम है या चिड़िया, चिड़िया कम है, तो हम ये चिड़िया वाले पे सही का निशान कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे, आगे क्या है देखो, आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि चित्रों की कमी पूर्ण कीजिए और समूह बनाइए। क्या करना है, चित्रों की कमी पूर्ण करके समूह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बॉक्स दिए हुए हैं,
यहाँ पे इस बॉक्स में कितने गोले हैं? 1, 2, 3, 4 और यहाँ कितने हैं? 3। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ इसके जितने होने में क्या नहीं है? एक गोला नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना है? एक गोला बनाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये कितना है? 5 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें कितने बनाने हैं? 1, 2 तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक। फिर यहाँ पे देखो ये इस तरीके से त्रिकोण बनाए हुए हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 तो कितने बनाने हैं? 5, 6 फिर उसके बाद में यहाँ पे ये देखो ये आकार कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने? 7 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे 6, 7 ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि उंगलियाँ गिनकर सही संख्या से मिलान कीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको चित्र बनाया है, उसमें आपको इस तरीके से उंगलियाँ दी हुई हैं, तो आपको इन उंगलियों को गिनना है और सामने जो संख्या है उससे मिला देना है। तो चलो हम यहाँ पे उंगली गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने? 9 तो ये देखो 9 उंगलियाँ हैं, तो इसको इस तरीके से लाइन खींचते हुए हमें 9 से मिलाना है। फिर आगे दूसरे चित्र में यहाँ पे कितनी उंगली है देखो? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 कितनी? 6 तो यहाँ पे 6 कहाँ है? ये रहा, ये 6 है ना, तो हम इसको इस तरीके से 6 से मिला देंगे। फिर अगली उंगली गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी? 5, 6, 7 कितनी हो गई? 7 तो 7 यहाँ कहाँ है? ये रहा, हम इसको इस 7 से मिला देंगे। फिर ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी? 8 तो 8 कहाँ पे है? ये, तो इसको इससे 8 से मिला। फिर उसके बाद में हम आगे यहाँ पे बच्चों आपको इस तरीके से अंक दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? उनको क्रम से आपको संख्याओं को जोड़ना है और यहाँ पे इस चित्र को पूरा करना है, ठीक है? तो ये आपको खुद से करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है कि गिनती पूरी कीजिए, पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 1 तो यहाँ कितना आना चाहिए? 2 फिर 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, फिर 7, 8, 9 फिर यहाँ पे अगले प्रश्न में 5 के पहले और 5 बाद में कौन सी संख्या? 6 के पहले और बाद की संख्या। अब यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है, 5 के पहले कौन सी संख्या आती है? 5 है, 5 के पहले कौन सी संख्या है यहाँ पे? 4 तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको चित्र में बता दिया, लेकिन आप गिनती गिनते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि पहले हम क्या बोल रहे हैं और बाद में क्या बोल रहे हैं। फिर 5 के बाद में क्या आएगा? अब 5 के पहले 4 आया, तो 5 के बाद में कितना आएगा? 6 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर यहाँ पर है पहले की संख्या, अब यहाँ 6 है, 6 के पहले कितना आता है? ये रहा 6, 6 के पहले यहाँ पे कितना आया बच्चों? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 ठीक है। आगे क्या करना है देखो, यहाँ पे 1 की बाद की संख्याएं कौन सी हैं? अब यहाँ पे आपको बॉक्स में इस तरीके से संख्या दी है, उसके बाद में क्या क्या आता है आप लिखते हैं। 1, फिर 2, 3 ठीक। बाद की संख्याएं लिखो, 2 के बाद में क्या आएगा? 3, 4 फिर 3 के बाद में क्या आएगा?
छः के बाद सात, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो संख्या लिखी है उसके बाद की संख्या लिखनी है। तो तीन के बाद चार, छः के बाद सात, आठ के बाद नौ और चार के बाद पाँच। फिर उसके बाद में पहले आने वाली संख्या क्या है, यहाँ पे पहले आने वाली संख्या आप देख रहे हो इस जार पे, आप में से कुछ में संख्या लिखी है, तो आपको क्या करना है, संख्या से पहले वाले जार में कौन से नंबर आएगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पाँच, पाँच के पहले इस वाले जार में कितना आएगा, चार। यहाँ आठ, आठ के पहले, आठ के पहले सात। फिर यहाँ तीन है, तीन के पहले दो। यहाँ सात, सात से पहले छः। फिर उसके बाद में यहाँ पे बीच की संख्याएं लिखिए, पहला, पहले में क्या दिया हुआ है, तीन और पाँच, तीन और पाँच के बीच में कौन सी संख्या आएगी, चार। फिर छः और आठ, तो कौन सी संख्या, सात। फिर चार और छः के बीच में पाँच, सात और नौ के बीच में आठ, ठीक है। इसके बाद में हम देखें, यहाँ पे बच्चों देखो आपको दिया हुआ है कि गोले में उचित संख्या लिखकर चूहे को अपने घर तक पहुँचने में उसकी सहायता कीजिए। चूहा है, इसको यहाँ नंबर वाइज जाते हुए यहाँ पे अपने इस घर में पहुँचना है। तो चूहा कैसे चलेगा, एक, एक के बाद कौन सा नंबर आएगा, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर चार के बाद पाँच, फिर छः, सात, आठ, नौ और दस, ठीक है। इस तरीके से ये चूहा अपने घर तक पहुँचेगा। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो बच्चों आपको दिया हुआ है कि गिनती पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ अंक लिखे हुए हैं और बीच बीच में से कुछ खाली है, तो खाली जगह में कौन से अंक आएंगे वो आपको लिखना है। एक, अब यहाँ खाली है तो एक के बाद में हम कौन सी गिनती बोलते हैं, दो। फिर तीन, तीन के बाद चार। पाँच लिखा हुआ है, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ और ये लास्ट में दस। फिर गिनती पूर्ण कीजिए, यहाँ पे भी आपको गिनती पूर्ण करनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। फिर यहाँ लास्ट में आपको दिया हुआ है कि गिनती पूर्ण कीजिए, तो आपको गिनती पूर्ण करनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको इस गिनती को पूरा करना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्वाध्यायी में कराया आपको इसे अपनी स्वाध्यायी में करना है और फिर उसके बाद अपनी नोट में करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।